वहीं धमतरी जिले में 11 मई को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि बीते दिन मुठभेड़ में मारे गए सभी मृत नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मृत नक्सली में से एक नक्सली की मंगल मारकाम उर्फ अशोक के रूप में शिनाख्त हुई है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल पुलिस को गरियाबंद जिले के सरहदी इलाके में मैनपुर नुआपाड़ा उड़ीसा डिवीजन के 20 से 25 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान चलाया। वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 100 से 150 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान एक नग 315 बोर देशी कट्टा, नक्सल साहित्य और दवाइयों की पर्ची मौका घटनास्थल से बरामद की गई। नक्सलियों का यह कृत्य अपराध धारा सदर के पाए जाने से थाना नगरी में अपराध दर्ज कर लिया गया है। और जितनी अभी तक हमें जानकारी मिली है, ओडिशा स्टेट कमेटी का है, अभी पहचान कार्रवाई हमारी चल रही है। इसके साथ साथ माओवादी के साथ साथ हमें एक छोटा देसी हथियार भी मिला है, उसमें 315 का राउंड लगता है, एक मोबाइल फोन मिला है, कुछ दवाइयों के पर्चे मिले, दैनिक उपयोग की सामग्री के पर्चे भी मिले हैं, वहां से एक पैकेट मिला है। इस मोबाइल फोन में जो है नक्सल साहित्य है, नक्सल गाने हैं, नक्सल वीडियो हैं, यही सब है। अभी वर्तमान में पुलिस जो है तो बाकी की विधिक कार्रवाई रहती है, FIR वगैरह दर्ज कर रही है, पोस्टमार्टम भी कार्रवाई कर रही है।